नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के अंतर्गत आने वाली 1857 की क्रांति से अनेक प्रश्न डिस्कस करेंगे। ये वो प्रश्न होंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और इससे पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इसके साथ आज के पहले प्रश्न की रुख करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? आपका ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम वेंकट और लॉर्ड कैनिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। इस प्रश्न को समझने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो हमारा उत्तर होना चाहिए 1856 से लेकर 1862 तक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लॉर्ड कैनिंग था ये भारत का पहला वायसराय था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। जैसे हमें पता चला कि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से लेकर 1862 तक रहा, तो इसका सीधा मतलब है 1857 तो 62 और 56 के बीच में आता है, तो सीधा उत्तर होना चाहिए आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। इसके साथ ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं ताकि हमारा प्रश्न अच्छे से कवर हो सके। बात करते हैं लॉर्ड लिटन की। लॉर्ड लिटन की बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए लॉर्ड लिटन का शासनकाल। जो लॉर्ड लिटन का शासनकाल रहा है 1876 से लेकर 1880 के बीच में, सीधा मतलब 4 साल तक इन्होंने अपना यहाँ पर शासन किया। अब बात करते हैं लॉर्ड लिटन की। जो लॉर्ड लिटन है इनको ओबन मेरेडिथ के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि 1 जनवरी 1877 में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि भी इनके शासनकाल में ही दी गई थी और यह उपाधि भारत की राजधानी दिल्ली में दी गई थी। 1877 को ही दिल्ली में प्रथम बार दिल्ली दरबार लगा था। 1877 के बाद 1878 की बात करते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वर्नाकुलर एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ, तो आपका उत्तर होना चाहिए 1878। इसमें किसके बारे में बात की गई थी? इसमें जो भारतीय समाचार पत्र थे उन पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और साथ ही साथ हमें लॉर्ड लिटन के बारे में ये पता होना चाहिए कि भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा की जो न्यूनतम आयु है वो 21 से घटाकर 19 कर दी गई थी। इतना हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की, लॉर्ड डलहौजी की। जब हम लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो हम इनका शासनकाल 1848 से लेकर 1856 कैसे भूल सकते हैं। जो लॉर्ड डलहौजी थे इन्होंने अपने जीवन में अनेक कार्य किए और जो कार्य कुछ हद तक भारतीयों के पक्ष में भी रहे हैं और कुछ हद तक भारतीयों के विपक्ष में भी रहे हैं। वो कार्य कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे लॉर्ड डलहौजी रेल के जनक माने जाते हैं, डाक विभाग के जनक माने जाते हैं, तार के जनक माने जाते हैं और PWD के जनक माने जाते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए लॉर्ड डलहौजी द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 भी लागू किया गया। अगर हम शिक्षा की दृष्टि से लॉर्ड डलहौजी की रणनीति को देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए शिक्षा संबंधी सुधारों में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया था। वुड डिस्पैच के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई थी। ध्यान देना है एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि वुड डिस्पैच को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इन पॉलिसीज को देखकर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में रही है। और अगर हम बात करते हैं हड़प नीति की, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की, बोले तो लैप्स की नीति की, कहीं ना कहीं आपको यह नीति भारत के विपक्ष में नज़र आती है। इसमें सीधा मतलब था कि अगर किसी राजा के पास अपना कोई पुत्र नहीं है और उसने किसी अन्य पुत्र को गोद लिया है तो जो गोद लिया हुआ पुत्र है वो उसकी ज़मीन जायदाद का हकदार नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इतिहास के पन्नों को उठा के देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का पुत्र दामोदर राव और पेशवा बाजीराव का पुत्र नाना साहेब, ये इनके दातक पुत्र थे। आप यूं भी कह सकते हैं ये लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति के शिकार हुए थे। अंत में बात करते हैं ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम वेंकट की। इनके बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इनका शासनकाल कब से कब तक रहा। तो इनका जो शासनकाल है वो 1828 से लेकर 1835 तक रहा। और यहाँ पर हमें एक बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम वेंकट ही थे। अब
इनके बारे में हमें ये भी पता होना चाहिए कि सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा का अंत आपके विलियम वेंकट ने किया था। जब हम सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा के अंत के लिए विलियम वेंकट को याद करते हैं तो हम राजा राम मोहन राय को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की संज्ञा किसने दी थी, उपाधि किसने दी थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए अकबर द्वितीय ने। जब हम राजा राम मोहन राय की बात कर रहे हैं तो हमें ब्रह्म समाज भी याद आना चाहिए। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की और किसने की, तो आपका उत्तर होना चाहिए राजा राम मोहन राय ने और 1828 में की। यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के साथ साथ आत्मीय सभा 1814 और वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1814 में की थी। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर प्रश्न को एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह की शानदार वीडियो के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करें। आपके एक लाइक शेयर और कमेंट से मुझे अगली वीडियो को बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर SMS कीजिए या कॉल कीजिए, आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा। तत्पश्चात आपको 2 डेमो क्लास दी जाएगी, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको मेरे साथ कंटिन्यू क्लासेस लगानी है या नहीं। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? आपके पास ऑप्शन है झांसी, दिल्ली, मेरठ और कानपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेरठ। अब हमें ये पता चला कि 1857 का विद्रोह मेरठ से आरंभ हुआ। अब प्रश्न उठता है कि कब आरंभ हुआ, तो उत्तर होना चाहिए आपका 10 मई 1857 को। अब प्रश्न उठता है कि 10 मई 1857 को मेरठ से किस नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह का आरंभ किया था, तो आपको उत्तर होना चाहिए 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। जब हम 10 मई 1857 की बात करते हैं, सीधा मतलब है मेरठ से विद्रोह की बात करते हैं, तो ठीक एक दिन बाद 11 मई 1857 को हम कैसे भूल सकते हैं। इस दिन भारत के विद्रोहियों ने मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना नेता स्वीकार किया था। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। इसके साथ ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं। अगर हम बात करते हैं झांसी की, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो आपने उत्तर देना है रानी लक्ष्मीबाई। अगर हम रानी लक्ष्मीबाई पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में मनु कहते थे और इनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। कई बार इनके बारे में एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है कि किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में से यह एक अकेली मर्द है, तो आपको उत्तर होना चाहिए हयूरोज ने। इसके साथ बात करते हैं ऑप्शन बी, दिल्ली की। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में दिल्ली से किसने विद्रोह का आरंभ किया था, तो आपको उत्तर होना चाहिए बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। देखो यहाँ से 2 प्रश्न बनने की संभावना रहती है, एक प्रश्न कि दिल्ली से सेना का नेतृत्व किसने किया और दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। जब बात उठती है विद्रोह के नेतृत्व की, तो उत्तर देना आपने बहादुर शाह जफर द्वितीय की। अगर बात उठती है कि दिल्ली से सेना का नेतृत्व किसने किया, तो आपने उत्तर देना है बख्त खान। अंत में बात करते हैं कानपुर की। कानपुर है, कानपुर से सेना का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई? आपका ऑप्शन है नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 और फरवरी 1857। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1856। इस एनफील्ड राइफल के कारण ही 1857 की क्रांति का जन्म हुआ है। अब आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा कि 1857 की क्रांति के दौरान जो एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल किया गया, इसमें ऐसा क्या था कि यह एनफील्ड राइफल 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण बना। अब यहाँ पर समझते हैं कि जो एनफील्ड राइफल होती थी, इस राइफल को चलाने से पहले इसको मुंह से खोलना पड़ता था और इस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी रहती थी।
जैसे आपको पता है कि मुस्लिम धर्म में सुअर को बहुत ही गंदा माना जाता है और हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है, तो इसका विरोध जगह जगह होने लगा। तो अब प्रश्न उठता है कि सबसे पहले इस एनफील्ड राइफल बोले तो चर्बी वाले कारतूस का विरोध किसने किया, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए मंगल पांडे ने, क्योंकि जो मंगल पांडे था यह खुद एक ब्राह्मण था। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या मंगल पांडे एक सैनिक था? जी हाँ, मंगल पांडे एक सैनिक था। अब यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कौन सी इन्फेंट्री का सैनिक था, तो आपका उत्तर होना चाहिए 34वीं बोले तो 34th इन्फेंट्री। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि जो 34th नेटिव इन्फेंट्री थी यह किस तरह की सेना थी, तो ध्यान दीजिए जो 34th नेटिव इन्फेंट्री थी यह एक पैदल सेना थी। यहाँ पर जब हम मंगल पांडे की बात कर रहे हैं तब हमें ये भी पता होना चाहिए कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी, और आप यूं भी कह सकते हैं यह 1857 की क्रांति का भारतीयों की तरफ से पहला बलिदान था। यहाँ से आगे जाने से पहले हमें एक बात और क्लियर होनी चाहिए, क्या कारण था कि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो हमें पता होना चाहिए मंगल पांडे ने जब चर्बी वाले कारतूस का विरोध किया था तो उस दौरान मंगल पांडे ने दो अंग्रेज अधिकारी को गोली से भून डाला था। एक का नाम था कैप्टन बाग और दूसरे का नाम था सर्जेंट हायरोसन। देखो अब प्रश्न इस तरह से भी तो बन सकता है कि इन दो अंग्रेजी अधिकारी को कब मंगल पांडे ने गोली मारी थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च के ठीक 10 दिन बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से सभी तथ्य महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बीडी सावरकर। कई बार प्रश्न कुछ इस तरह से पूछे जाता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा 1857 की क्रांति को किसने दी थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए जेम्स ट्राउटम और डब्ल्यू टेलर ने। कई बार प्रश्न बनता है कि किसने 1857 की क्रांति को ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी और ना ही इसे राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा दी, तो आपका उत्तर होना चाहिए आरसी मंजूमदार। और अंत में एक प्रश्न, कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा कि 1857 की क्रांति को किसने जन क्रांति की संज्ञा दी, तो आपका उत्तर होना चाहिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे और देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। सीधा मतलब यह है कि जो शिक्षित वर्ग था 1857 की क्रांति में इन्होंने भारतीयों का साथ नहीं दिया और ना ही इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक बात और पता होना चाहिए, और कौन कौन से वर्ग थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भारतीयों का साथ नहीं दिया था, वो थे कश्मीर के राजा, सिंधिया के राजा और हैदराबाद के राजा। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो भारत में जमींदार वर्ग, सीधा मतलब है जो शाही वर्ग थे, इन्होंने भी भारतीयों का 1857 की क्रांति में समर्थन नहीं किया था। अब यहाँ पर आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा कि 1857 की क्रांति में तो किसने समर्थन दिया था, तो सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए सैनिकों ने, दूसरी बात किसानों ने, तीसरी बात व्यापारी वर्ग ने। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तांत्या टोपे का मूल नाम क्या था। आपस ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहेब, बालाजी राव और रामचंद्र पांडुरंगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रामचंद्र पांडुरंगा। जब मूल नाम की बात आती है तो तांत्या टोपे के साथ साथ हमें नाना साहेब का भी पता होना चाहिए। नाना साहेब का जो मूल नाम था वो था धोंदू पंत।
अंत में अगर हम बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की, जो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था वो था मणिकर्णिका। इनको बचपन में मनु के नाम से भी पुकारा जाता था। जैसे हमें पता है इस प्रश्न के माध्यम से हम तात्या टोपे के बारे में बात कर रहे हैं। कई बार प्रश्न बनता है कि कानपुर से सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो आपने उत्तर देना है तात्या टोपे ने। अगर प्रश्न पूछा जाए कि कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तब उत्तर होगा नाना साहिब में। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं और यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पील आयोग। जैसे आपको पता है कि 1857 की क्रांति के दौरान भारतीय जो सेना थी वो अलग थलग हो गई थी। उस सेना को फिर एक छत के नीचे इकट्ठा करने के लिए एक आयोग लाया, जिसका नाम पील आयोग की संज्ञा दी गई। इसके साथ ऑप्शन की तरफ रुक करते हैं ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। बात करते हैं हंटर कमीशन की। जो हंटर कमीशन है ये 1919 में आया था और ये विलियम हंटर के नेतृत्व में भारत आया था। अब आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इसका भारत आने का उद्देश्य क्या था। जैसे आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को भारत में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी। उसकी तहकीकात में, उसकी जांच में अंग्रेज़ों ने एक आयोग नियुक्त किया जिसका नाम पड़ा हंटर आयोग। इस आयोग में 8 सदस्य थे जिसमें से 3 भारतीय और 5 अंग्रेज थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ये आयोग था हंटर कमीशन, यह इतना झूठा आयोग था, इसने जनरल डायर को, जैसे आपको पता है जनरल डायर ने ही जलियांवाले हत्याकांड में ही गोली चलाने का ऑर्डर किया था। इस आयोग ने जनरल डायर को निर्दोष साबित किया था। इसके साथ बात करते हैं साइमन कमीशन की। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था और इसके स्वागत के लिए किस नारे का प्रयोग किया गया, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे साथ लाइव क्लास में बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझे मैसेज कीजिए, आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा। तत्पश्चात आपको डिसाइड करना है कि आपको मेरे साथ कंटिन्यू क्लासेस करनी है या नहीं। अंत में एक बार फिर कह रहा हूँ कि इस तरह की शानदार वीडियो के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। नमस्ते, जय हिंद, जय हिमाचल।